आप तैयार हैं? सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो जो इस पे नहीं, अब इस पे चला रहे हैं, इसका ऑडियो भी आपको आ जाएगा क्लियर, उसके बाद मैं अपनी प्रेस वार्ता शुरू करता हूं, क्योंकि ये एक परिपेक्ष है जिसकी इस प्रेस वार्ता का। तो बेसिकली लुक, आई थिंक दैट इश्यूज आर देयर, इज द इश्यूज ऑफ टॉक्स एज़ वेल एज़ दिस ब्रिज। ऑन द टॉक्स पार्ट ऑफ इट, आई थिंक वी हैव बीन प्रीटी प्रीटी क्लियर, एंड आई थिंक वी हैव बीन सेइंग द सेम थिंग रिपीटेडली। वी हैव हैड वेरियस राउंड्स ऑफ कन्वर्सेशंस द चाइनीज साइड एट डिफरेंट लेवल्स, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री साइड। We also, as you're aware, Foreign Minister Wang Yi was here in March this year, and EM conveyed our expectations to him. As EM had said then, and I remember him talking to the media subsequently, the frictions and tensions that arise from China's deployments since April 2020 cannot be reconciled with a normal relationship between two neighbors. So we will continue to remain engaged with the Chinese side, both at the diplomatic and military levels, to ensure that the directions given by the two ministers are implemented fully. And of course, if there is any further update, we will share with you. So that's on the talks part of it. We have seen media reports and other reports on the so-called bridge, or I don't know if it's another, somebody said second bridge, or if it's an expansion or widening of the current bridge. Look, probably in the area that is referred to is, of course, we've always felt this was occupied, and we have had our for decades. जो शब्द जिससे आपको भी और प्रत्येक भारतवासी को पीड़ा होनी चाहिए और चिंता होनी चाहिए, वो शब्द, और देखिए कूटनीति में शब्दों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, भूमिका ही भाषा की होती है कूटनीति में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन डिप्लोमेसी इज दैट ऑफ लैंग्वेज, और हमारे विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने कल क्या शब्द इस्तेमाल किए। इट इज फेल्ट कि चीन का कब्जा है उस जगह पर, ये हम महसूस करते हैं कि चीन का कब्जा है, माफ कीजिएगा, महसूस नहीं करते, चीन का कब्जा है, ये हमारे देश की पोजीशन रही है, ये हमारा स्टैंड रहा है हमेशा से। तो हम इस बात से लेकर बहुत चिंतित हैं कि चीन को लेकर प्रधानमंत्री किसी दबाव में है। आपने और हमने पिछले वक्तव्य प्रधानमंत्री का सुना, अब 2 साल होने आए हैं उस वक्तव्य को जून में, ना कोई घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई घुसा हुआ है, वो एक क्लीन चिट थी। कल विदेश मंत्रालय ने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, डाइल्यूट कर दिया चीन का, जो हमारे बढ़ता चला आ रहा है चीन, इस पूरी बात को आप डाइल्यूट करके कहते हैं कि हम महसूस करते हैं कि चीन के कब्जे वाला इलाका, यह छोटी बात नहीं है। नंबर एक, चीन निरंतर बढ़ रहा है, दूसरे पुल का निर्माण हो रहा है पैंगोंग झील पर, यह जो पुल है वो इतना चौड़ा है कि सेना के, चीनी सेना के पीएलए के बड़े बड़े वाहन, आर्टिलरी उस पर से गुजर सकती है, और जो दोनों सिरे हैं पैंगोंग झील के, उन दोनों सिरों पर एक तरह से चीन ने अपना आधिपत्य जमा दिया है, उनका वो दुरुपयोग भारत के खिलाफ करेगा। चाइना हैज एस्टैब्लिश्ड एंड इज इन द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर द पीएलए, to enable the PLA to bring artillery support through these bridges. This particular bridge, which is under construction, is a broader bridge as compared to the first bridge. हम भारत सरकार से, विदेश मंत्रालय से, और हम ये पहले बोलने से पहले विदेश मंत्रालय से गुजारिश भी करेंगे कि कृपया करके आप रक्षा मंत्रालय से सलाह लेकर फिर बात कीजिए, क्योंकि बहादुर सैनिक कुछ हासिल करता है बॉर्डर पे, और हम यहां आकर डाइल्यूट कर देते हैं। वी आर डिमोरलाइजिंग आवर ओन आर्म्ड फोर्सेस, एंड इट इज शॉकिंग टू सी दैट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज अंडरमाइनिंग द डिफेंस मिनिस्ट्री। आई विल टेल यू हाउ।
ये जो निर्माण हो रहा है ये ना केवल हमारी भौगोलिक अखंडता पर हमला है, जो संघर्ष विराम हुआ था ये उसका उल्लंघन है, और वो संघर्ष विराम के चलते भारत ने, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है ये, उस संघर्ष विराम के चलते भारत ने जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ठिकानों पे कब्जा था भारत का, हमारे बहादुर सैनिकों ने वो कब्जा किया था, वो छोड़ दिया था। तो संघर्ष विराम की पालना हम कर रहे हैं, भारत कर रहा है, चीन उसका उल्लंघन कर रहा है, और विदेश मंत्रालय आकर उनको दूसरी क्लिनचिट दे रहा है, पहली प्रधानमंत्री ने दी थी। आज समझ में आता है कि जो रोज टीवी पर शाम को चलता है कि खुदाई में ये मिला, ये मेरा है, ये मुसलमानों का नहीं है, ये ईसाइयों का नहीं है, बौद्धों का नहीं है, क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि चीन लगातार हमारी भौगोलिक अखंडता पर हमला बोल रहा है। एज वी स्पीक चाइना इज ट्रेसपासिंग, एज वी स्पीक चाइना इज वायलेटिंग द सीज फायर अग्रीमेंट, एंड दिस इज द सेम सीज फायर अग्रीमेंट अंडर विच इंडिया गेव अप द वेंटेज पॉइंट्स दैट वी हैड अंडर आवर पोजेशन, and we got that vantage point under our possession thanks to our brave army. So whenever the Ministry of External Affairs speaks, I don't know what is their compulsion, it appears though that every single ministry of this government has one point agenda: to protect and promote, howsoever fake it is, the image of the Prime Minister. Kitni hi nakli chavi ho Pradhan Mantri ki, तमाम मंत्री सिर्फ और सिर्फ उस छवि को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। देश की छवि का क्या होता है, देश की सीमाओं का क्या होता है, देश की 60 साल की जो पोजीशन होती है कि ये चीन के कब्जे वाला इलाका है, आप उस पोजीशन को भी सरेंडर करने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की छवि को बचाना आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, देश को बचाना आपके लिए या देश की सीमाओं को बचाना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं। हम भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि जो कल विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की और जो शब्दों का इस्तेमाल किया कि हमें महसूस करते हैं कि यह चीन के कब्जे वाला इलाका है, उस पर स्पष्टीकरण दें। वी वॉन्ट एन इमीडिएट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द वर्ड्स यूज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यस्टरडे दैट इट इज फेल्ट that area is under Chinese occupation. If the government of India does not clarify, agar Bharat sarkar ispe spashtikaran nahi deti hai, to yah mana jayega is desh dwara ki Bharat sarkar pradhan mantri ki chavi bachane ke liye kisi bhi had tak jane ko tayar hai, apni simaon ki raksha karne ko tayar nahi hai, aur jo pichle kai dashakon se हम जिसे अपना इलाका मानते आए हैं, भारत सरकार उस पर भी आंखें मूंदने को तैयार है। इट इज अ वेरी वेरी सीरियस पॉइंट ऑफ कंसर्न, इश्यू ऑफ कंसर्न फॉर ईच वन ऑफ अस, एंड वी वुड कॉल अपॉन द प्राइम मिनिस्टर, और तो किसी की चलती नहीं इस सरकार में, to for a moment temporarily forget about his own image, think about the country, think about the brave army braving all odds of weather, of the enemy, and valiantly protecting our borders. Ek baar unki chinta kijiye. Hum jab yahan AC ke kamron mein baithe hote hain, wo wahan jooj rahe hote hain kharab mausam se, dushman se, khatron se, अपनी जान पर खेलते हैं, उनके भी परिवार हैं घरों में, गांवों में, शहरों में। प्रधानमंत्री अपनी छवि की चिंता कुछ वक्त के लिए भूल जाएं और खुलकर बोलें कि चीन उस इलाके पर पुल बना रहा है जो भारत का है और चीन का उस पर अनधिकृत कब्जा है। मैं मान जाऊंगा कि आप सच्चे देशभक्त हैं, नहीं तो ये छद्म राष्ट्रवाद हमने बहुत देख लिया आपका। आपके सवाल।
जो दोनों एंड्स हैं लेक के, उन दोनों पर से एक एक पुल आ रहा। पहला पुल इतना चौड़ा नहीं था, दूसरा पुल इतना चौड़ा है कि सैन्य उपकरण, आर्टिलरी डिवीजन, यह सब उस पर से आ सकते हैं। और पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से जिन स्थानों पर, जिन पॉइंट्स पर चाइना अपने उपकरण लगा रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, उसके बाद जो एडवांटेज हमें मिलता था वो एडवांटेज हम खो चुके होते हैं। जो सामरिक दृष्टि से भारत को एडवांटेज मिल सकता था, अब ऐसी कोई हाइट नहीं है वहाँ जहाँ हम रुक कर, हमारी सेना ठहर कर मुकाबला वहाँ कर पाए, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वहाँ चीन अपना काम करता चला गया जब मोदी जी अपनी छवि निखार रहे थे तब। पहले इस पे देख लीजिए क्योंकि ये बहुत सीरियस है, सीमाओं से संबंधित है। आपको कई बार हम उदाहरण देते हैं और जब ये उदाहरण देते हैं तो कोई खुशी नहीं होती, मन में दुख होता है। दुख क्यों होता है कि विदेश नीति, पहले भी सरकारें, गैर कांग्रेस की सरकारें आई थी, विदेश नीति से कोई खास छेड़छाड़ कोई नहीं करता। अटल जी की सरकार थी, लगभग उसी विदेश नीति पर चलते थे। मोरारजी भाई की सरकार थी, लगभग उसी, और इंदर कुमार गुजराल और देवगौड़ा जी की सरकार, कोई भी विदेश नीति से छेड़छाड़ नहीं करता। यह पहला उदाहरण आपको मिलेगा जिसका नतीजा सबके सामने है कि आज छोटे छोटे देश भी हमें आंख दिखा देते हैं। यह पहला उदाहरण आपको मिलेगा जहां प्रधानमंत्री को सिर्फ और सिर्फ का उनका एक एजेंडा है कि तालियां कैसे बटोरनी है घर में और घर से बाहर। तो तालियां बटोरने का जो इवेंट होता है वो तो एक घंटे का होता है, दो घंटे का होता है, लेकिन उस दौरान जो आप कर देते हो उसका खामियाजा देश भुगतता है। आपने देखा चीन लद्दाख में, नेपाल, उत्तराखंड में नक्शा बदल के छाप देता है, कोई छोटी बात नहीं होती। वो भी एक देश है, वो अपना नक्शा बदल रहा है और आप चुप बैठे, और चीन का आप क्या जवाब देते हो? ऐप बैन कर दी। अभी भारतीय रेल ने चीन की कंपनी को कितना बड़ा ठेका दिया जरा पूछिए। तो ऐप बैन करके आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो और चीन के साथ बिजनेस एज यूजुअल कर रहे हो, तो आपकी नियत में खोट है, नंबर एक। नंबर दो, आपकी समझ, माफ कीजिएगा, बहुत बौनी समझ है, आपकी समझ नहीं है। और जिनके पास समझ है, अफसरों के पास होती है, ब्यूरोक्रेसी के पास होती है, आप अपने आप को उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, आप अपने मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं। तो जो आदमी इस गलतफहमी का शिकार होता है कि मेरे अलावा और किसी को कुछ नहीं मालूम, वो ऐसी गलतियां करता है, उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। इट्स अ वेरी कॉमिक कॉमेंट, यू सेड द प्राइम मिनिस्टर जस्ट गिव अ स्पीच, वेल दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डज फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, बट व्हेन ही स्पीक्स डज ही रियलाइज, एंड आई एम श्योर ही डज रियलाइज बिकॉज इट्स हिज ऑफिस दैट सेंड्स मैसेजेस टू चैनल्स एवरी मॉर्निंग एंड वी हैव सीन दोज मैसेजेस डायरेक्टिंग देम
that this is the issue to be raised. And what are the issues being raised over the last 15 days on channels? It's for everyone to see. Is the Congress asking those channels to raise issues of mandir versus masjid, fountain versus shivling? Humne kaha kya ye mudda uthane ko? Channels hamari sun rahe hain ya kisi aur opposition party ki sun rahe hain channels? Ye debates kaun karwa raha hai? Ye agenda setting kaun kar raha hai? Pradhanmantri ko batana padega hame. 18 घंटे जागने वाला आदमी 17 घंटे मीडिया में और सोशल मीडिया में क्या चलना चाहिए उस पर ध्यान देते हैं, एक घंटा मेकअप करते हैं, हमें नहीं मालूम क्या करते हैं। वो हमको बोल रहा है कि एजेंडा सेटिंग हम कर रहे हैं। इससे ये तो ऐसा मजाक है जो भक्तजन भी नहीं मानेंगे, उन्हें भी हंसी मोदी जी पर आ जाएगी। तो उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए, इतना आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए उनको कि वो जो बोलेंगे उनके भक्त मान लेंगे। उनके भक्त भी नहीं मानेंगे। पूछिए प्रणव जी से, ये साथ बैठे हैं, जो रोज शाम की डिबेट्स की लिस्ट आती है, क्या उन डिबेट्स में हम जाना चाहते हैं? करिए ना महंगाई पे डिबेट्स, करिए बेरोजगारी पे डिबेट्स, करिए इस बात पर डिबेट कि पूरी दुनिया में सबसे महंगी गैस हिंदुस्तान में क्यों होती है, रसोई की गैस। हम तैयार हैं। अपने किसी मंत्री को भेज दीजिए हमारे किसी नेता के साथ डिबेट करने को, हम तैयार हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, अगर आपको एजेंडा सेट करना है तो आइए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। हिम्मत है नहीं, ये छुप छिप कर अपने अफसरों के थ्रू, आप अफसरों का क्या नाम लेना, उनके माध्यम से आप सबको मैसेजेस भिजवाना कि आज इस पर डिबेट हो, ये एजेंडा सेट करो, और फिर बाहर आकर कहना देखिए ऑपोजिशन एजेंडा सेट कर रही है, शर्म आनी चाहिए। बट हाउ मच क्रिएटिविटी कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मिस्टर मोदी? भाई उनका भी तो क्रिएटिविटी सूख गई ना, अब खत्म हो गई, तो अब वही पुराने ढर्रे की बार 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 चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। Nobody is surprised with these raids. These raids are a way of distracting attention from the failures of this government. वो इतने साल वो कांग्रेस में थे तो क्या वो अखंडता की बात नहीं करते थे? कांग्रेस का चेहरा थे। ये जाते वक्त ऐसी ऐसी बातें करके जो लोग जाते हैं, उन्हें खुद भी नींद नहीं आती होगी रात को, क्योंकि अपने ही भाषण याद आते होंगे, मैंने उस वक्त तो ये कहा था। गुजरात वाले नेता हैं, उन्होंने भी क्या क्या बातें की थी कि चौराहे पे चप्पल से मारना चाहिए जो पार्टी छोड़ दे, मैं देख रहा था कल। इन्होंने भी कई कई भाषण दिए हैं, और मोदी जी की तो आवाज़ इन्हें पसंद नहीं थी, ये भी बोलते हैं कि जब वो आवाज़ आती मेरे को आवाज़ ही नहीं पसंद आती उनकी, अब बड़े परेशान होंगे। तो ऐसे लोगों को अच्छी नींद आए, हम तो बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनको हम गुड नाइट के अलावा और क्या कह सकते। I don't know why is he attacking Jyotiraditya Scindia or Anurag Thakur. There is something going on, I understand that. But why should he publicly attack Scindia ji and Anurag Thakur is something which the country would like to know. Or Rajnath ji's son, Pankaj Singh, and there are several, there are 45 dynasts there roughly. Ab unko karna hai kuch sudhar, to kar le, hata de unko. बनाना भी है, फिर उनको तंग भी करना है, उनके खिलाफ टिप्पणियां भी देनी है। वो कंधा किसी और का इस्तेमाल करते हैं, निशाना कोई और होता है। हो सकता है जय शाह निशाने पर हो, आजकल बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं कुछ हैं वो। एनीथिंग एल्स? आप लोग यहां तो हंस देते हो फिर चलाते नहीं हो, मैं को ये बड़ी शिकायत है आपसे।
और मैं जानबूझ के नाम ऐसे लेता हूँ, फिर मैं देखता हूँ जाकर कि आप लोग चलाएंगे या नहीं। जय शाह का नाम तो मैं जब भी लिया आपने नहीं चलाया, पता नहीं क्या डर है आप लोगों को। सिद्धू जी ने एक ट्वीट किया है, कानून अपने रास्ते पे चलता है, जो रिलीफ उनको कानून से मिल पाएगी वो जो भी वो कर पाएंगे वो करेंगे, वकीलों से वो सलाह ले रहे हैं। जहाँ कानून की बात आती है वहाँ राजनीतिक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। कानूनी प्रक्रिया पे इस तरह की टिप्पणी में जब तक कोई जानकारी नहीं होती तथ्यात्मक, मुझे नहीं लगता करना उचित होगा। हेडेक की बात वो आपका अपना ख्याल है, आप आज़ाद हैं कुछ भी सोचने के लिए लिखने के लिए। हम अपने नेताओं को हेडेक नहीं मानते, सब हम परिवार हैं, मिलकर लड़ते हैं, मिलकर संघर्ष करते हैं, आपस में भी कई बार संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर मिलकर विपक्ष के साथ करते हैं संघर्ष। कुछ और जय शाह पे या किसी पे कुछ सवाल किसी को पूछना हो, सिंधिया जी पे, जय शाह पे, अनुराग ठाकुर पे, मैं बैठा हूँ, बताइए। कांग्रेस पे तो आप पूछते ही रहते हैं। देखो उस केस के बारे में मैंने ज़्यादा जानकारी मेरे को नहीं है, तो किसी केस में ऐसे टिप्पणी करना बिना तथ्यों की जानकारी के अच्छा नहीं रहेगा। धन्यवाद।